वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी माई सर पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषि की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एम्स ऋषिकेश की तरफ से 18th of November 2021 को, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन की तरफ से, जिसमें प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह वैकेंसी रिलीज की गई है। प्रोजेक्ट का टाइटल है डोर स्टेप प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल। सो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो इस केस में आपका मंथली रेमुनरेशन क्या रहेगा। सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर जैसे हमने बताया यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, इसके अलावा रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल सोशल वर्कर और ड्राइवर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें यहाँ पर हम नर्सिंग ऑफिसर के बारे में डिटेल में बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट रिलीज किए गए हैं, 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने GNM किया है या फिर BSc नर्सिंग किया है किसी भी NC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है INC या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर 1 या 2 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर कम्युनिटी में, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस का, MS एक्सेल, ऑफिस एप्लीकेशन, MS वर्ड, स्प्रेड शीट और प्रेजेंटेशन का आपके पास नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मंथली रेमुनरेशन की बात करें तो मंथली रेमुनरेशन आपका 30,000 rupees पर मंथ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर यह पोस्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिलीज किया गया है, यहाँ पर टेम्प्रेरी बेसिस पर यह पोस्ट रिलीज किए गए हैं प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका मंथली रेमुनरेशन जो रहेगा, कंसोलिडेटेड पेमेंट जो रहेगा, 30,000 rupees पर मंथ रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने बताया अलग अलग पोस्ट रिलीज किए गए हैं, मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट और ड्राइवर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें यहाँ पर आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको आगे हम एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद उस पर साइन करना है, साइन करने के बाद उसको स्कैन करना है, स्कैन करके PDF फॉर्म में करके यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पर आपको सेंड करना है। यहाँ पर यह ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पर आपको सेंड करना है। तो आपको जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आगे हम आपको दिखाने वाले हैं, सेम फॉर्मेट आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद साइन किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कैन करना है PDF फॉर्म में करके, उसके साथ इनक्लोजर डाल के उसको यहाँ पर ईमेल करना है इस ईमेल एड्रेस पर। यहाँ पर जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन रिसीव करने का, तो यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 1st of December 2021 है। यहाँ पर लास्ट डेट 1 December 2021 से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो 3rd of December 2021 इंटरव्यू का डेट जो है वो 3 December 2021 है। सो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए जैसे हमने बताया कि आपको अपने जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करना है। लास्ट डेट सेंड करने का 1 December 2021 है, तो इससे पहले पहले आपको सेंड कर देना है। इंटरव्यू का वेन्यू की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, ये आपका वेन्यू है इंटरव्यू का। यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करने हैं, तो जो यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू हो, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो रिटन एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर यह वैकेंसी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिलीज किए गए हैं। शुरू शुरू में जो एंगेजमेंट रहेगा 1 ईयर के लिए रहेगा। फिर जैसा भी प्रोजेक्ट की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के कम्प्लीसन तक जो आपका टेन्योर है वो बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कम्प्लीसन तक आपका एंगेजमेंट रहेगा। कोई भी आपको यहाँ पर TA DA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उन्हें साथ में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ जो है वो अपने साथ में लेकर जाना है। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरना है, उस पर साइन करना है, उसके बाद स्कैन करके PDF फॉर्म में आपको जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस ईमेल एड्रेस पर आपको सेंड करना है, उसके साथ सारे इनक्लोजर्स लगा के। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको अच्छे से भरना है। अच्छे से फिलअप करने के बाद
सर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो भी हैं वो डालने हैं, उसके बाद आपको साइन माइन करना है यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर वगैरह करके, उसके बाद आपको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।